जब सस्ते और बढ़िया माइलेज देने वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर की बात आती है तब बजाज चेतक, टीवीएस आईक्यूब और सिंपल एनर्जी वन इलेक्ट्रिक स्कूटर का नाम सबसे ज्यादा लिया जाता है। भारतीय बाजार में ये इलेक्ट्रिक स्कूटर 200 से ज्यादा का माइलेज देते हैं और अब इसी कड़ी में भारतीय बाजार की सबसे लोकप्रिय ऑटोमोबाइल कंपनी हीरो मोटोकॉर्प अपने पोर्टफोलियो में एक नए इलेक्ट्रिक स्कूटर AE8 को लॉन्च करने वाली है। हीरो मोटोकॉर्प का ये नया इलेक्ट्रिक स्कूटर बढ़िया माइलेज, जबरदस्त फीचर्स और बेहद ही कम कीमत में लॉन्च होने वाला है। हीरो इलेक्ट्रिक AE8 स्कूटर साइज में छोटा होगा, साथ ही जबरदस्त लुक के चलते युवाओं के दिलों पर राज करेगा हीरो का ये नया इलेक्ट्रिक स्कूटर। अगर आप भी अपने लिए एक सस्ते इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने की तलाश में हैं तो एक बार जरूर जान लीजिए अपकमिंग हीरो AE8 इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में। और हाँ, आप भी इलेक्ट्रिक स्कूटर से जुड़ी हुई वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को अभी से एक लाइक कर दीजिए, साथ ही हमारे YouTube चैनल NJ हिंदी को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी दबा दीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो कभी भी मिस ना करें। मैं आपको बताऊं, उससे ज्यादा आपको पता ही होगा कि हीरो भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर में आज से नहीं बल्कि लंबे वक्त से बनी हुई है, जो अब तक कई शानदार टू व्हीलर भारत के युवाओं को दे चुकी है। वहीं आपको बता दें कि ऑटोमोबाइल सेक्टर काफी तेजी से इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल की ओर रुख करता जा रहा है। वहीं अब कंपनी अपने नए इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च करने की तैयारियों में है, जिसे कंपनी बेहद ही जल्द भारतीय बाजार में उतारने वाली है। तो मेरे भाई, दिल थाम के बैठिए, अब आ रहा है हीरो मोटोकॉर्प का नया इलेक्ट्रिक स्कूटर। अपकमिंग हीरो इलेक्ट्रिक AE8 स्कूटर में मिलने वाले बैटरी रेंज की बात करें तो कंपनी इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित लिथियम आयन बैटरी पैक देने वाली है, जिसके साथ इलेक्ट्रिक मोटर को कनेक्ट किया गया है। इस इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी के कॉम्बिनेशन से ये शानदार इलेक्ट्रिक स्कूटर के रूप में सामने आता है। वहीं इसमें सिंगल और फास्ट चार्जिंग का विकल्प देखने को मिलता है, जिससे आप करीब 3 घंटे के वक्त में बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। अपकमिंग हीरो इलेक्ट्रिक AE8 स्कूटर को नॉर्मल चार्जिंग करने पर 100 किलोमीटर की रेंज प्रदान करता है और फास्ट चार्जिंग करने पर ये स्कूटर 120 की ड्राइविंग रेंज देता है। फीचर्स लिस्ट की अगर हम बात करें तो अपकमिंग हीरो इलेक्ट्रिक AE8 स्कूटर में आपको बहुत सारे जबरदस्त फीचर्स देखने को मिलते हैं। इसमें आपको नए तौर पर क्लॉक, कॉम्बी ब्रेक सिस्टम, ड्रम ब्रेक्स, डिजिटल स्पीडोमीटर, मोबाइल कनेक्टिविटी, LCD इंस्ट्रूमेंट कंसोल, DRLS, डिजिटल ट्रिप मीटर, डिजिटल ओडोमीटर, LED लाइट, स्टार्ट बटन, USB पोर्ट, बूट स्पेस के साथ कई सारे और भी फीचर्स देखने को मिलते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो अपकमिंग हीरो इलेक्ट्रिक AE8 स्कूटर फीचर्स, माइलेज और डिजाइन के मामले में बाकी सेगमेंट के स्कूटर्स की छुट्टी कर देगा, ये तो पक्का है। कीमत की बात करें तो अपकमिंग हीरो AE8 इलेक्ट्रिक स्कूटर को कंपनी 55,899 रुपए की शुरुआती कीमत में लॉन्च कर सकती है, जो कि ये कीमत इससे ज्यादा भी जा सकती है। अपकमिंग हीरो AE8 इलेक्ट्रिक स्कूटर की लॉन्चिंग की अगर हम बात करें तो कंपनी इसे 2024 के शुरुआती दिनों में पेश कर सकती है, यानी 2024 के मध्य तक हीरो का ये नया चमचमाता इलेक्ट्रिक स्कूटर भारतीय सड़कों पर दौड़ता हुआ नजर आने वाला है। अब आपका क्या प्लान है मेरे भाई? क्या आप भी लॉन्च होते ही हीरो इलेक्ट्रिक AE8 स्कूटर को खरीदना पसंद करेंगे या नहीं? हमें आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें, साथ ही वीडियो अच्छा लगा है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। धन्यवाद।